हो गया आँख खोल ना रे। मिक्सर में से सारा ओवरफ्लो होके मिर्च आँख में चला। ये देखो हालत। अब इतना मत भरो, कम पड़ जाएगा। क्योंकि इधर बकवास आगे करोगे तो खा ले हम लहसुन प्याज। हाय हाय यार हो गया होगा, निकाल लो इसको। देख लो तो देखो, खाने को थोड़ी मिला। बचा ही कितना है, देखो दिक्कत। तो आज का हमारा वीडियो यहाँ से शुरू होता है। अभी शाम का बज रहा है 5 और टाइम पे आप लोगों ने बवाल कर दिया है कल के वीडियो में। तो बात कुछ ऐसा था कि जो वो वाला क्लिप था, प्रॉपर वाला, वो वाला क्लिप मैंने पहले ले लिया था और वो वाले क्लिप को मैंने बाद में डाल दिया, जब मुझे याद ही नहीं आया कि पीछे घड़ी भी है। आप लोग इतना नोटिस कर लोगे क्या? तो बात यही है कि ये वीडियो को ना प्रॉपर बनाने में लगभग 3-4 घंटा का गैप लगा है, ठीक है। और वो जो लास्ट में जो क्लिप है जिसमें 9, 9:30 या 10 बज रहा है, वो वाला क्लिप मैंने पहले ले लिया था और बाकी का जो है बाद में लिया है। तो इस तरह से टाइम का मैनेजमेंट आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग कह रहे हो कि ये वीडियो है, ये है, वो है, फेक है, क्या है इसमें? फेक क्या है यार, फेक है क्या इसमें? हम लोग तो गए जंगल में, हमने किया वो, तो इसमें कुछ फेक नहीं है। इस तरह का कमेंट मत करो। थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो गया, थोड़ी सी मेरी भी गलती है कि आगे का पीछे और पीछे का आगे कर दिया। और वैसे आज कुछ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल खाने में बन रहा है हमारे घर पर, तो वो मैं आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। ये है पत्ता गोभी, और मतलब ये जो पत्ता गोभी आप देख रहे हो ये हमारे घर वाला ही है जो कि वहाँ पे बड़ा सा था। और ये है लहसुन जो कि हमारे घर पे अलाउड नहीं है, फिर भी ये लड़की वीडियो के चक्कर में ये सब अलाउ करवा लेती है। ये पत्ता गोभी वही है जो अपने खेत का सबसे बड़ा वाला पत्ता गोभी था, और अब ये नहीं रहा। अभी क्या बनने वाला है, आप लोगों ने ना वीडियो में देखा होगा, रील वगैरह में, मोमोज जो होता है ना, मतलब जो मोमोज का बाहर का लेयर होता है ना वो मैदे का होता है, लेकिन इस वाले मोमोज में ना जो लेयरिंग होगा वो लेयरिंग भी पत्ता गोभी से होगा और मोमोज के अंदर भी पत्ता गोभी होने वाला है। तो कुछ इस तरह का मोमोज होने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ खाने के लिए कि जो चीज़ वीडियो वगैरह में देखा है वो आज पहली बार खाने को मिल रहा है, और काफ़ी ऑर्गेनिक वाले वे में, क्योंकि इसमें जितना भी कुछ डाला जा रहा है उसमें से ना ज़्यादातर चीज़ हमारे घर का ही है। यही है वो घड़ी जिसने कल के वीडियो में पूरा बवाल मचा दिया है। यहाँ पे देखो तैयारी एकदम फुल चल रहा है और इस लड़की का दिमाग एकदम खराब हो चुका है। अभी कैमरा बंद था तो मुझे गाली दे रही थी। इधर बकवास आगे करोगे तो यही करेंगे। देखा देखा अभी अब कितनी गुस्से में, अभी आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे देखो इतना सारा सामग्री है, यहाँ पे मसाला तो ऐसे है जैसे कि सब्जी बन रहा है, चाइनीज बन रहा है कि देसी बन रहा है समझ ही नहीं आ रहा है। क्या देख रही हो? तो यहाँ पे है पत्ता गोभी जो कि पहले भी मैं दिखा चुका हूँ, और इसके अंदर है असली मसाला। यार खुल ही नहीं रहा यार, गिनीस को खोलने मदद करोगी क्या? रख दो, छेड़छाड़ काहे कर रहे हो। देखो इसके अंदर है क्या, हाय हाय, इसके अंदर है सोया चंक और साथ ही साथ लहसुन, और यहाँ पे है इतना मसाला, और है यहाँ पे टमाटर, और बाकी तो यहाँ पे पत्ता गोभी जिसको बॉईल कर रही है ये। वहाँ पे देखो काम चल रहा है, और यहाँ पे मेरा चाय का काम चल रहा है। चाय भाई हमेशा बहुत ज़रूरी है। चाय लवर होता है ना वो किसी भी कंडीशन में चाय नहीं छोड़ सकता है। चाय लवर के तौर पे ना आपके सामने मैं ही खड़ा हूँ जो सबसे बड़ा चाय लवर हूँ। कुछ दिन पहले बोल रहा था कि चाय छोड़ना है, चाय बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, लेकिन आज भी मैं चाय पी रहा हूँ और एक दिन में 2-3 बार हो ही जाता है चाय। यहाँ पे देखो भाई साहब, ये तो एकदम वही रील जैसा दिख रहा है यार, चोखा भर रही है लिट्टी वाला। लिट्टी वाला चोखा। एक मिनट हाँ। ये चोखा खा के देखो, फुल्ली वो है। नहीं मैं नहीं खाऊंगा अभी, नहीं अभी नहीं यार, पूजा खाएगी। एक ही बार यार, एक ही बार खाएगी। मैं तो अभी एक्साइटेड हूँ उसके लिए। चलो चलो भाई चख लो, साले मुंह में खिला। ए झूठा नहीं, हाथ हम अपना। पूजा देवी वाह बिल्ली है सामने, पता है मुझे, आके कई बार सोच रही है कि खा ले हम। लहसुन प्याज प्याज है इसमें, नहीं सर लहसुन है प्याज। चलो अब देखो इसको, एक मिनट स्टफ ही हो गया, इसको ऐसे करना है एंड देन इसको ऐसे करना है। भाई मोमोज की रानी देख रही है, अभी ठेला लगाएगी गिननी, उसके बाद इसके ठेले पे मैं आऊंगा सबसे पहले। अब वापस इसको ऐसे रख देंगे। ए तुम बस इतना ही सारा, मैं तो 5 खाऊंगा ना। बॉइल हो रहा है वो, और होगा ना, इतना कम तो नहीं ना। नहीं देखो बिल्ली बिल्ली बिल्ली, अरे यार वो कब से बेचारी खाने को मांग रही थी, तो दे देती ना। अब इतना मत भरो, कम पड़ जाएगा फिर हम, क्योंकि पीस वाइज खाएंगे ना हम लोग। पीस वाइज ज्यादा नहीं मिलेगा, यहाँ भंडारा नहीं कर। 5 मिलेगा ना कम से कम। 5 कौन सा खाना है ये? 2 चाहिए। अरे बेवकूफ अभी नहीं खाना है, अभी पकना बाकी है भाई। भाई हम ये दे दो, हम पकने का वेट नहीं करने वाले हैं। कौन से स्कूल से पढ़ाई किया है तुमने? किसी भी स्कूल से किया हो, कच्चा सब्जी हम खाते हैं समझे? यहाँ स्कूल का शिक्षा काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? अभी स्कूल में कुकिंग का चैप्टर आने वाला है एक नया, काहे घबरा रही हो तुम? स्कूल मैं खोलूंगा भाई, क्योंकि लड़कों को क्यों नहीं आता है कुकिंग, मुझे इससे दिक्कत है। किसने बोला? मुझे फिर कैसे आता है? तो इसीलिए तो मैं दुनिया को बताना चाहूंगा।
भाई कुकिंग कर सकता है तो बाकी के घर के बच्चे क्यों नहीं? लड़के ज्यादा ताकतवर होते हैं, वो काटेंगे छप 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 छप, ज्यादा सही से कटेगा। लड़कियां कमजोर होती हैं बेचारी, है ना? फिर ये भी गलत बोल दिया तुमने, नहीं सब नहीं होती हैं। हाँ मतलब ज्यादातर होती हैं कमजोर, उस कंपैरिजन में तो लड़के भी कुछ होते हैं, पतलू सुखलू साथ बने, तो क्या किया जा सकता है। सही बात है भाई, तो किसी स्कूल में भी अब कुकिंग का भी चैप्टर आना चाहिए, पूजा के हिसाब से, मेरे हिसाब से। क्यों? मेरे भी हिसाब से, मेरे भी हिसाब से। क्या हो गया? आगे मेरे चला गया। ठीक है, ठीक है, बर्फ ला, बर्फ मगर बर्फ है, बर्फ बर्फ ला। ठीक है, अब मिल चला गया मम्मी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चीनी लाओ ना, आँख में डालो, चीनी का घोल डालते हैं आँख में। अब शायद 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 तो डाल सकते हैं। नहीं अब ठीक है। अरे घी है, अरे गैस पे क्या चढ़ा के भाग आई यार, सब घी खराब हो जाएगा। पूजा घी नहीं, पूजा घी हटा के करो यार। आगे चल के पीछे 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 मुंडी पीछे करना, ऊपर का ढकना खुला है। हमको लगा था कि किसी ने तो मिक्सर को गड़बड़ा दिया। क्या हुआ है? जाओ किचन में देखो ना, इसे दीवार पे पूरा बिखरा हुआ है वो पूरा। मिक्सर में से सारा ओवरफ्लो होके मिर्च आंख में चला गया। ले आई, चेहरा पोछो, चेहरा पोछ, ले आई घी। हाँ। लगाओ ना आंख में, लगाओ ना, पीछे की तरफ आंख करो, डाल पूरा, डाल भर, आंख खोल ना रे। अरे एक पकड़ के रखो ना आंख, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अरे घी लगा दिया, वो खुलेगा? हां हो गया, कपड़ा पकड़ के खोलना, डाल, हो गया डला गया। सील पर ना, मशीने चाहिए दोनों में, सिलौटी पे करना चाहिए ना, सिलबट पे, सिलबट्टा, इसलिए। अरे चम्मच घुसा दिया आंख में यार, आंख में डालता है पागल, ये था। हां घी पकड़ो, पिसल रहे। खोला खोला खोला, आंख खोल, जहां खोल ना, आंख खोल, जहां कहीं भी लगा है अब ठीक हो जाएगा। हाथ मत लगाओ, हाथ धो के साले रेडी है हम, अभी संडा से निकला है क्या? रोटी घी पे, घी पे चल तो हाथ घुमा। हां मां कुछ तो है, चल रहा है यार, घीरा चल रहा है हम लोग घर पे। सोफा मशीन लिया, उससे बहुत जलन कम होता है। अब ठीक है, रुक 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 गिनी, रुक रुक, वैसे वैसे सीखते रहे, पंखा में, पंखा में जाके बैठ जाइए, चल सीखते रहे। हर रोज कुछ ना कुछ कांड हो जाता है। देखो मैं बिना चप्पल के दौड़ा, एक में चप्पल है, देखो एक में चप्पल है, दूसरे में चप्पल नहीं है। अरे ठंडा ठंडा हवा, ठंडा ठंडा पानी, सॉरी चलो चलो पंखा में चलिए। हाँ पंखा में चलो, या कूलर में चलो, एसी के मुंह पे जाओ, आँख बंद रखना, खोलना नहीं। चलिए बैठिए, चलिए। बहुत जल रहा है यार भाई, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, थोड़ा चिल मारो अभी। तो एक बार नहीं, 10 बार हाथ से अपने आप ऐसे 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 करके बंद करने के चक्कर में और हम चला दिए हैं मिक्सर। अरे बेटा तुम्हारी मम्मी ठीक है भाई, पॉइंट बताना, पूरा फेस पे। अच्छा आंख में ही नहीं ना, पूरा फेस पे भी तो जल रहा होगा। बेटा चुप रहो, मम्मी की आंख में मिर्च चला गया है। यहाँ पे देखो पूरा मिर्च चिपका हुआ है, एक मिनट रुको, देखने दो मुझे इसके अंदर। अच्छा ये उड़ा था क्या? अच्छा ये मोमोज का चटनी है ना, इसी चटनी ने कांड कर दिया यार। नीचे देखो, ये पूरा नीचे में देखो, ये देखो हालत। अब ठीक है, अब ठीक है। क्या लाल मिर्च गई थी पीसने मोमोज के लिए? मोमोज का चटनी पीस रही थी। हे भगवान, जवान पे पड़ते ही जो प्राण निकाल दूं, गाल पे पड़ते क्या हाल किया होगा। सही बात है, और भाई वो तो चटनी मैं वैसे भी नहीं खाऊंगा, कल मेरा ऐसे ही हालत खराब था, आज मैं नहीं खाऊंगा वो चटनी, वो चटनी मैं नहीं खाऊंगा। खाने वाले से पूछ लिया होता कि मोमोज का लाल चटनी खाओगे? वो खाली मोमोज खाएंगे हम तो। वेजिटेरियन लोगों को ना ज्यादा लहसुन, ज्यादा अदरक, ज्यादा गर्म चीज हाँ सूट नहीं करता है, नहीं करता है सूट। क्या हो गया अब, क्या हो गया? पूजा को प्रणाम। किस बात के लिए? सच में आँख बहुत
राहत मिला। सोफ्रामाइसिन से? घी डाल के, घी। हाँ घी तो भाई अपना देसी जुगाड़ है ना। बताओ कि नहीं मिर्च ज्यादा है आँख में तो घी डालना चाहिए, शुद्ध घी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं, अब नहीं है तो डालना डालो, लेकिन कोई ठंडी चीज डालो। आँख खोलना यार, हम घी बहुत सारी चीजों का देसी नुस्खा है ना। नहीं भाई डालडा मत डाल लेना, डालडा की कोई गारंटी नहीं है, इसने बोल दिया डालडा के बारे में। गारंटी आम नुकसान नहीं पहुंचाता है डालडा, लेकिन और कुछ नहीं करता है वैसा नहीं। अरे मतलब कौन दिया दिमाग लगातार यूज करे तो डालडा के अंदर भी। क्या आदमी हो यार, कभी भी कुछ भी ऑन कर देते हो क्या? देखो साइड इफेक्ट, प्लग निकाल उसका पहले, होठ बड़ा हो गया, देखो साइड इफेक्ट मिर्च का, बंद कर डायरेक्ट पहले। अच्छा नहीं लग रहा है, जल्दी काट। डालडा में केमिकल होता है वो नुकसान पहुंचाता है आपको। फिर फायदा क्या करता है? मतलब इमीडिएटली राहत देगा। अब रोज रोज कोई डालडा डालेगा लॉन्ग टर्म के लिए? इसमें मद गर्म होता है, जैसे लगाओगे ना फील करना। हाँ शहद, तो शहद गर्म होता है, वो हीट को और बढ़ा देगा, फ्लेम जो होता है। हे भगवान, मोमोज मोमोज कहाँ है भाई साहब? देखो चूल्हे पे मोमोज बन रहा है, ये प्रॉपर चाइनीज मोमोज जो है एकदम देसी स्टाइल में बनाया जा रहा है यार। हो गया होगा, निकाल लो इसको भाई। हाँ निकालते हैं, पकड़ो मैं निकालूंगा। ये देखो क्या साउंड कर रहा है, पूरा साउंड कर रहा है। लो हो गया, आए हाए हाए, उसको निकाल दो मशीन को, मगर मशीन निकाल दो। अरे भाट बहुत गर्म है। तो हमारा जो मोमोज है ना वो तो बन के तैयार हो गया, लेकिन मोमोज बनाने वाली जो लड़की है वो थोड़ी सी बन गई है। नहीं थोड़ी सी, थोड़ा तो इसके चेहरे पे ना वो मिर्च चला गया है। मैं मोमोज का चटनी पीस रही थी ना, तो वो उड़ के इसके हाथ में घुस गया। मैं मोमोज का चटनी बना रही थी आज, शायद लोगों को प्रूफ हो गया होगा कि ये सब कुछ मैं खुद ही करती हूँ भाई। चटनी तो जो एक साथ 20-30 मिर्च ऐसे पूरा गया है यार। ओए होए सुपर, रंग बदल गया भाई, रंगत बदल गया इसका पूरा। दिख नहीं रहा है हमको, हमको दिख रहा है, बहुत मस्त दिख रहा है ये वाला। हाय हाय क्या मजा, क्या बात। मोमोज का वो स्टफ, मंगल इधर देखो, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर। दिखने दो भाई कितने फ्लोर। ये है हमारा टोटल मोमोज, इसमें फ्लोरिंग देख रहे हैं आप, टॉप पे दो है, बाकी फर्स्ट फ्लोर पे कुछ और है और ग्राउंड फ्लोर पे कुछ और ही हालत है। फ्लोर का माल ज्यादा बढ़िया है वो तो टेस्ट करने वाला तो चलेगा, फिलहाल इसमें रख लो। क्या? नहीं बहुत गर्म है, पूछा अभी मत टच करो। ट्रांसपेरेंट कितना दिख रहा है भाई। हाँ तो ट्रांसपेरेंट ही दिखता है ये वाला। अब जो है एक्साइटमेंट लेवल एकदम बढ़ चुका है, एक मोमोज मैंने खा लिया, दोबारा खा रहा हूँ आपके सामने। ये देख रहे हो मोमोज, ये डिग गया चटनी में, देख रहे हो तो देखो खाने को थोड़ी मिला। वाह अरे ये लड़की मुंह पे मिर्ची लगी हुई है फिर भी परोस रही है गाय को तो खाना। कैसा है भाई? लाजवाब है, मतलब ये बेस्ट है ना, मतलब हेल्दी हेल्दी ऑब्वियसली। गिनी पांडे इसका फुल रेसिपी बता दो कहाँ मिलेगा। इसका फुल रेसिपी मिलेगा गिनी के फेसबुक पेज पे। ये वाला टुकड़ा देना भाई हमको, दिख नहीं रहा हमको ठीक से। फूक के उसको खिला दे यार, उसके हाथ में लगा हुआ है, मुंह में लगा हुआ है। क्या बात है, एक और खा लूं क्या मैं? तो क्यों रख दिया प्लेट में, ढाई डेढ़ खाया मैंने अभी तक डेढ़। चल पकड़, मेरी बारी है, थोड़ा समय खा लेता हूँ। ए मार देगा ना ज्यादा जवान अपनी ले लो, आधा खा के छोड़ दूंगा। लपलपाती जीभ तुम्हारी बहुत खतरनाक है भाई, खा गए अब जूठा कर दिया, अब उसको हम खाएंगे। अब कैसे तो खा लेती हूं, खा लो क्योंकि 1 2 3 4 5 है अभी उसमें। देखो यही चाहता था ये, इसको बोल दिया जाए कि खा लो। यहाँ पे कुछ बहुत ही ज्यादा अद्भुत हो रहा है, अभी तक हो रहा है भाई। ये देखो क्या जुगाड़ कर रहा है, पेट्रोल निकालना था टंकी में से, तो देखो क्या कोलिन का वो स्प्रे डाल दिया अंदर, ऐसा स्प्रे कर दिया पूरा, देखो पेट्रोल निकल गया। बंद कर ये रख दो, ये रख दो, ये रखना है। हो गया, यहाँ पूरा आग जलाया हुआ है। हाँ उसमें डाल आग, इधर रोड गर्म हो गया, आग लग चुकी। पेट्रोल है, पेट्रोल है, मजाक नहीं है, पकड़ो गलती से। ओए भाई दोबारा पेट्रोल नहीं निकल पाएगा, इससे मस्ती करोगे तो मजा आ रहा है। स्प्रे करो ऐसे करके, मत करो ये पागल यार, पागल वाली ले आ। यही पे लाना पड़ेगा, वहां लाते लाते ठंडा हो जाएगा ये भाई। यहाँ का माहौल एकदम शांत है और बहुत ही ठंडा सा हवा बह रहा है अभी। यहाँ पे घूमने में मजा आ रहा है, सब लोग घर के अंदर घुसे हुए हैं। यहाँ पे देखो पूरा एरिया खाली है, कोई भी नहीं है यहाँ पे मेरे अलावा।
मैं ना अभी अभी नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पे जितना घास वगैरह था, गंदगी वगैरह था, वो सारा क्लीन हो चुका है। तो ओवरऑल कैंपस बहुत ही क्लीन लग रहा है, और यहाँ पे तो क्लीन हुआ ही है, और साथ ही साथ देखो यहाँ पे भी सब कुछ क्लीन हो गया है। देखो यहाँ पे कोई घास वास कुछ भी एक्स्ट्रा वीड वगैरह नहीं है। क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा है क्या? नहीं दिख नहीं रहा है। यही इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। यही एक्सपेरिमेंट करके तो तुम लोग मेरा हाथ ले लिए थे। एक्सपेरिमेंट नहीं है। क्या है ये? स्किल है, स्किल। अच्छा, फोन फेंक दे क्या नीचे, कैच कर लोगे? नहीं नहीं। तालियां। गुस्सा। ले, किसको तोड़ेगा? गुस्सा में तोड़ दिया इसने। भाई ये डालना यार, शिवम गुस्सा होके चला गया ये। तो यहाँ का हालत देखो, एकदम खाली खाली है, यहाँ पे भी कोई नहीं है। गाड़ी को अभी अभी धोया गया है। बाकी मैं आपको देखो कुछ दिखाता हूँ। ये सामने देखो, अभी दो दिन पहले तक ऐसे लकड़ी का दिख रहा था, बहुत ही घटिया सा। अभी इसका लुक देखो कैसा है, ये एकदम चमक चुका है अब बाहर अंदर हर जगह से। इसको एक बार देखो ढंग से, क्या सही लग रहा है। पेंटर भैया ने भी बहुत अच्छा काम किया है, और अब काफ़ी सही लग रहा है। इसमें तो भाई अब कोई भी रह सकता है इंसान। आग देखो जल रहा है भाई, क्योंकि आज ना थोड़ा सा ठंड लग रहा है, मतलब हमेशा के कंपैरिजन में आज थोड़ा ज़्यादा ठंड है। हाँ आज ठंड ज़्यादा है, इसलिए इस लड़की ने देखो वूलन पहना है। मेरा मुंह अभी ठीक है, पता है मैं अभी डंडा घुमा रहा था, मेरे नाक पे लग गया चोट बहुत तगड़ा वाला। किस्मत खराब चल रहा है यार, मत करो कुछ। वक्त खराब चल रहा है, काफ़ी दिनों से ही खराब चल रहा है यार। तो आग देखो बहुत तगड़ा जल चुका है, और लोग भी आने शुरू हो चुके हैं। आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आग के पास जाओ, आग बुझ जाएगा। अभी मैं डंडा घुमा रहा था यहाँ पे बहुत तगड़ा वाला, देखते ही देखते आग देखो कितना, आग बगुला हो गया। इसको पापा ने क्यों बुला लिया भाई? तो अगर हम लोगों को थोड़ा सा दिन दे दिया जाए, अगर ठंड ऐसे ही रह गया ना, तो अपने कैंपस में जितना लकड़ी आप लोग देख रहे हो ना, ये लकड़ी अब पक्का खत्म हो जाएगा। पूरा ठंड तो हम लोग काट लिए, अब कटेगा नहीं। बचा ही कितना है देखो, दिक्कत क्या हुआ, दिक्कत ये हुआ कि आज दोपहर में हो गया बारिश। अब बारिश होने की वजह से मौसम हो गया ठंडा, पूरा ठंडा। हाँ। आज शाम से हल्का हल्का हवा चल रहा, अब हवा चल रही तो ठंड लग रही है। बाप रे, मेरे साथ ये दिक्कत हो रही है, रंग की वजह से ना पूरा स्किन फटा हुआ था, अभी तक हल्का हल्का जलन हो रहा है। बाप रे भाई, इसका तो रंग भाई उतरा ही नहीं। सुन, काल कुछ कांड नहीं करना, ठीक है? शाम में नहा नहा के अब देखो, दो दिन तीन दिन और नहा लेंगे हम लोग, नहाया नहीं है तो सबका तबीयत खराब हो जाएगा। परसों से नहाया नहीं है ये। सही बात है भाई, ठीक है? अब हम लोग रंग खेलना बंद करेंगे, रंग वैसे भी अच्छा नहीं है। मतलब जो देखने वाली पब्लिक है वो तो बेवकूफ है ना, कि बढ़िया कपड़ा पहन के नहा इधर खड़ा हूँ मैं, नहा धो के अंदर में देख, अंदर वाला टी शर्ट दिखवा, इसका स्वेटर खुलवा। अंदर वाला वही है बस, खाली ऊपर में स्वेटर दिख रहा है। स्वेटर खुलवा लिया, वो पैंट गर्म हो गया है आग से बहुत ज्यादा। अच्छा तो थोड़ा दूर हट जाते, इधर हो जाते, उधर क्यों? जब आग से दूर हटा भाई, बहुत तेज आग है, यहाँ तक धार है। अरे बहुत तगड़ा आग है भाई साहब। तो अभी रात का क्या टाइम हो गया भाई, क्या टाइम हो रहा है अभी मैं दिखाऊँ आपको, फिर से आप लोग बोलोगे कुछ गलत ही टाइम हो रहा है। तो देखो 9:09 हो रहे हैं, और अभी चलते हैं भाई हम लोग सोने, और आपसे मिलते हैं कल सुबह। हमारा आज का ये वीडियो होता है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।